समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहां जाके गुंडागर्दी की। कल हमारे कार्यकर्ता, हम लोगों ने मना किया था, कार्यकर्ता मान भी गए थे, लेकिन सामान्य घटना में एक झंडा दिखाने के बाद पुलिस को वहां धीरे से उनको लेके थाने में बैठाना चाहिए था, लेकिन वहां समाजवादी पार्टी के लोगों ने फिर वहां गुंडागर्दी की, अराजकता की, लाठी डंडे निकाले। उसी के लिए हम लोग आए थे, जिलाधिकारी से भी मिले हैं माननीय विधायकगण हम लोग, कि अराजकता की सीमा अब समाप्त हो रही है, अगर उनके पर कार्रवाई नहीं हुई तो हो सकता है समय आने पर भारतीय जनता पार्टी को भी सरकार में ही रह के सड़कों पर उतरना पड़े। पुलिस कप्तान या पुलिस का अधिकारी उसको आगामी 19 में के लिए उसको फॉलो कर रहे हैं आगे उसको बढ़ने के लिए, इस तरह से अराजकता वो करता जाएगा, उसको खुली छूट दे दी जाएगी। अभी पूरी हमारी इसमें कप्तान से बहस हुई इस विषय पर, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सलट लेंगे, तैयार हैं, लेकिन हम कानून के दायरे में हैं, सरकार हमारी ये बदनामी ना हो। ये कप्तान से कहा गया कि उनके ऊपर कार्रवाई अगर आप नहीं करेंगे तो वास्तव में हम सभी विधायक सब एक मत हैं और जिलाध्यक्ष जी के साथ और सांसद जी के साथ मिल करके जीना हराम कर देंगे। जैसे आज कर जब विधायक को नहीं सुना जाएगा, जब विधायक पीड़ित रहेगा, जब विधायक गुंडों को माफियाओं का शिकार होगा, कार्यकर्ता कहाँ सुरक्षित है? और इसके लिए हम लोग पूरा प्लानिंग बना लिए हैं। अगर अपने सरकार में हम लोगों की बात नहीं सुनी गई, हम कार्यकर्ताओं की सुरक्षा संरक्षा नहीं कर पाए तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। मैं तो कप्तान से भी कहा और डीएम से यही बात कहा है, ये मनमानी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गुंडा माफियाओं को इन लोगों के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा खुली छूट मिल रही है। आज वो सड़क पर उतर, आज कप्तान भी जा रहे हैं, हमारे सरकार में है और विपक्ष से जाकर के कान में बात कर रहे हैं सड़क के किनारे। क्या मैसेज जाएगा, कहाँ हमारे कार्यकर्ताओं का सुना जाएगा?